केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल के सवालों को जवाब दिए हैं। नई दिल्ली फेक न्यूज को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहली बार फेक न्यूज चलाने पर पत्रकार की मान्यता 6 महीने के लिए, दूसरी बार 1 साल और तीसरी बार फेक न्यूज चलाने पर हमेशा के लिए मान्यता रद्द हो सकती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, पत्रकारों की मान्यता के लिए संशोधित दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर फर्जी खबर के प्रकाशन या प्रसारण की पुष्टि होती है तो पहली बार ऐसा करते पाए जाने पर पत्रकार की मान्यता 6 महीने के लिए निलंबित की जाएगी और दूसरी बार ऐसा करते पाए जाने पर उसकी मान्यता 1 साल के लिए निलंबित की जाएगी। इसके अनुसार तीसरी बार उल्लंघन करते पाए जाने पर पत्रकार महिला पुरुष की मान्यता स्थायी रूप से रद्द कर दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि अगर फर्जी खबर के मामले प्रिंट मीडिया से संबद्ध हैं तो इसकी कोई भी शिकायत भारतीय प्रेस परिषद PCI को भेजी जाएगी और अगर यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबद्ध पाया जाता है तो शिकायत न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन NBA को भेजी जाएगी ताकि यह निर्धारित हो सके कि खबर फर्जी है या नहीं। मंत्रालय ने कहा कि इन एजेंसियों को 15 दिन के अंदर खबर के फर्जी होने का निर्धारण करना होगा। वीडियो फेक न्यूज का जंजाल, लेकिन सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश पर कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कहीं फेक न्यूज के नाम पर पत्रकारों को ऐसी खबरें बताने से रोकना नहीं है जिससे सरकार असहज महसूस करे। उन्होंने पूछा कि ये कौन तय करेगा कि खबर फर्जी है। उन्होंने आशंका जताई कि इस नियम का दुरुपयोग पत्रकारों को परेशान करने के लिए किया जा सकता है। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने अहमद पटेल के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रेस परिषद और न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन, जो कि सरकार का हिस्सा नहीं है, तय करेगी कौन सी फर्जी है। इनपुट भाषा से भी हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook और Google+ पर ज्वाइन करें, Twitter पर फॉलो करें।